मेरा देव अधिदेव महादेव उसको सुनता है, स्वीकार करता है, हृदय से स्वीकार करता है। कभी ये जो बेलपत्र होती है ना, आप लोग समझना भाई हो, जितने लोग दिल से कथा सुनने आए हो वो दिल से सुनिएगा, समझिएगा। कभी कभी हृदय चित्त में अगर आ जाए, चंदन हाथ में लेकर केवल इस भाग को पकड़ कर भी अगर आप देव अधिदेव महादेव को बेलपत्र समर्पित कर तीन तिथियों का स्मरण करिए जरा, ठीक है? पहला शिवरात्रि, हर महीने आती, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती। दूसरा सोमवार की अष्टमी, हर महीने नहीं आती, साल में तीन या चार आती। और तीसरा प्रदोष, ये हर महीने आता। जब आपके हृदय में कोई बात आ जाए कि बाबा आज मेरा मन ये कह रहा है और आपको सुनना है बाबा, आपको स्वीकारना है बाबा, आपको मेरे मन की बात जानना है बाबा, बस हाथ में चंदन लगाया, बेलपत्री का भाग इस तरह से पकड़कर शिव जी से अपने हृदय की बात कहकर, मेरे देव अधिदेव महादेव से दिल से कहकर, अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है आपको बताया है, अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है ये शिवलिंग या अशोक सुंदरी की जगह, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर जहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग की साइड पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए, बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देर हाथ रखकर अपने हृदय की बात मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाइए। अगली सोमवार की अष्टमी या अगला प्रदोष या अगली शिवरात्रि जब आती है, मेरा महादेव आपकी मनोकामना का भाव पूर्ण करता है। ये शिव तत्व है, इसको औघड़ी कहते हैं, औघड़ी वो हृदय चित्त को धारण।